तो कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं UCED रिज़ल्ट 2024 के बारे में। तो जो आपका रिज़ल्ट है वो कब तक रिलीज किया जाएगा, एक्सपेक्टेड टाइम क्या रहेगा, डाउनलोडिंग का प्रोसेस समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखा है की वीडियो में, तो मेक श्योर वीडियो लास्ट देखें। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई अपडेट मिस ना हो। तो सिंपली बढ़ेंगे आगे वीडियो की तरफ। दोस्तों बात करें, जो आपका UCED रिज़ल्ट जो है वो आपका रिलीज़ किया जाएगा इन द मंथ ऑफ मार्च। फिलहाल जो है एग्ज़ाम जो है आज कंडक्ट किया गया है 21 जनवरी में। फिलहाल 21 जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। आंसर की जो आने की डेट है वो अराउंड आपकी रहेगी इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी। फिलहाल जो रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है वो 8 मार्च की है। और बाकी जो ये पूरा आर्टिकल जो है ये getmyuni.com एक वेबसाइट है, उस पर जाकर चेक कर लीजिएगा। टेबल बनी हुई है, तो फिलहाल जो है आपका स्कोर कार्ड कब आएगा, उसके रिजल्ट वगैरह, उसकी सारी डेट दे रखी है, मैं जाकर चेक कर लीजिएगा। बाकी एडमिशन प्रोसेस भी लिखा हुआ है 14 मार्च के आसपास। ये पूरा आर्टिकल आप अवेलेबल है getmyuni.com पे। बाकी तो फिलहाल ये ऑफिशियल अपडेट है, और जो इसका डाउन कैसे करना होगा वो आपको दूसरी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, bscnursing20.com पे। उस पर आर्टिकल होगा कि कैसे करना होगा, जरूर डाउनलोड, और इसका फर्दर अपडेट दिखाई दे रहा होगा। बाकी 8 मार्च को रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और बाकी स्कोर कार्ड डाउनलोड कैसे करना होगा और उसको एडमिशन 14 से शुरू होगा। डाउनलोड के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर आपको लिंक मिलेगा रिकमेंडेड टाइम में या फिर रिलेटेड सेक्शन में। लिंक पर क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड डाल के, और फाइनल लॉगिन के बाद रिजल्ट शो जाएगा स्क्रीन पर। इस तरह अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। थैंक यू।